हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मिनिस्ट्री घोटाला इस समय पूरे परवान पर है। विपक्षी दल जहां इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं सरकार इसे घोटाला नहीं मान रही। हमारे साथ इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा है, उनसे जानेंगे कि इस घोटाले पर उनकी क्या राय है। शैलजा जी, ये बताएं कि ये जो रजिस्ट्री घोटाला जिसको विपक्ष खूब इसे लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है, इसको लेकर आपका क्या मानना है? यही है कि ये सरकार जो बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये उसी का एक और अध्याय सामने आ गया है। अब देख रहे हैं कि जब से ये सरकार बनी है, घोटाले पर घोटाले, चाहे वो लेकर घोटाला हो, चाहे खरीद का घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, अब उसमें लेटेस्ट कड़ी ये भी आ गई है। सरकार ने तो हमेशा यही दिखाया है, पर्दा डाला है, और फिर नया भ्रष्टाचार आपके सामने आ जाता है। तो उसी का एक ये हिस्सा है, इस सरकार ने इस पर पर्दा ही डालना है, लेकिन हरियाणा के लोगों को तो चूना ही लगता जा रहा है हर तरह से। तो इस सब को लेकर आपकी क्या मांग है, कांग्रेस की क्या मांग है, इसकी जांच कैसे होनी चाहिए? देखिए, जांच तो होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, लेकिन इंडिपेंडेंट जांच कभी इस सरकार ने ना तो ऑर्डर की और ना हुई है। तो अंत में इस पर मत हरियाणा की जनता ही दे। ये बताएं कि एक जो है बड़ा मामला ये भी चल रहा है कि जिस तरह से राजस्थान में जो हुआ, कहीं ना कहीं हरियाणा से उसके तार जुड़ते हैं। हरियाणा की क्या भूमिका राजस्थान में आप पाते हैं? भूमिका तो सबके सामने आ गई, देश के सामने आ गई कि किस तरह से इन बागियों को बंद करके रखा गया हरियाणा के होटल में, और जब राजस्थान पुलिस वहां पर आई तो हरियाणा पुलिस पूरे दमखम के साथ वहां पर खड़ी हो गई, अड़ गई, और उन्होंने बिल्कुल राजस्थान पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि इनको आइसोलेट करने की उन्होंने पूरी पूरी मदद की। साफ नज़र आता है कि हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र से लेके यहाँ तक हर तरह से इस खेल को खेल रही है, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी उनको गिराने में इनका सीधा पूरा नंगा नाच हो रहा है। इस भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में अपनी ही अंतर्कला है, इस तरह से सचिन पायलट के साथ हुआ या हो रहा है, ये सब उसकी बदौलत है, भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। ये सारी गेम भाजपा खेल रही है, लोभ दिया जा रहा है, ये एक बात नहीं, बार बार सामने आई है। कितने टेप्स निकाले गए हैं राजस्थान सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने उनके बारे में बताया, तो ये तो सारे तथ्य हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे कह सकती है, क्योंकि इन्होंने हर राज्य में ये खेल खेला है और अभी भी खेला जा रहा है। राज्यपाल के दफ्तर के, उनके राजभवन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। क्या कारण है कि वहाँ पर आज हमारे विधायक धरना देने पर मजबूर हुए? ये स्थिति तो इन्होंने पैदा की। माननीय राज्यपाल को एक कठपुतली बनाकर केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया। क्या ये जो राजस्थान में हुआ, राजस्थान सरकार में जो कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा कांग्रेस पर भी उसके कुछ असर देखने में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है आपके एक दो नेताओं ने सचिन पायलट के समर्थन में बयान दिया, हाईकमान को समझाने के सुर में जो है बयान दिए, प्रदेश कांग्रेस ने इसका कोई संज्ञान लिया? ऐसा है, अगर सचिन पायलट जी को समझाने का प्रयास किया गया तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, नहीं, उनके समर्थन में उनके समर्थन में दिए गए हाईकमान को समझाने की बात कि वो नेताओं के साथ ऐसा ना करें, कोई प्रदेश कांग्रेस ने इस पर संज्ञान लिया? ऐसी कोई बात नहीं है कि केंद्र हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भी समझाने की बात की जाए, ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं लोगों की, और लेकिन मैं समझती हूँ कि अपने वक्त का इंतज़ार सबको करना चाहिए। जब हम एक बड़ी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, कांग्रेस की विचारधारा में, कांग्रेस के नेतृत्व में, सोनिया जी में, राहुल जी में हमारा सबका विश्वास है, तो उनकी बात को रखते हुए हम जो भी कार्य करें, हम कांग्रेस के समर्थन में और नेतृत्व में आस्था रखते हुए करें, और अपने वक्त का इंतजार सबको करना चाहिए। एक मैम, बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, कांग्रेस की क्या तैयारी है और क्या दावा है? कांग्रेस का दावा ये है कि जनता तैयार है, सभी कांग्रेसी तैयार हैं, जब भी चुनाव आए बड़ौदा का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। जनता के मन को जानते हुए हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को अब सबक सिखाना है। बड़ौदा में सभी मुद्दे रहेंगे,
जो इस गठबंधन की सरकार के दौरान जैसा आपने बताया ये सब मुद्दे भी आपके रहेंगे? जी ये सब मुद्दे भी रहेंगे और स्थानीय बात भी है, सभी बातें रहेंगी और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी। शुक्रिया। तो ये हैं कुमारी सहजा जो बता रही थी कि हर किसी को अपने समय का इंतजार करना चाहिए। सचिन पायलट को लेकर उनका ये कहना था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो रजिस्ट्री घोटाला हरियाणा में हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।